क्या हाल है भाई, एक और वीडियो और मौसम बड़ा अच्छा है। मैं ना आज सुबह आया था 10 बजे और अब लगा लो ये 5 बज गए हैं और अभी कोई मेरा इरादा है नहीं यार ऐसा कि ऐसा मैं अभी जाऊंगा, अभी काफ़ी देर में रुकूंगा। ये एरिया ही इतना अच्छा है, मतलब वही एक नेचुरल सा फील होता है कि देखो मैं एक बार वीडियो फिर से आपको एक बार ना कैमरा घुमा के दिखा दूँ। ये देखो, अब खुद ही सोचो यार ऐसे एरिया से कोई क्यों जाना चाहेगा इस हिसाब से, वो भी एक क्राउडेड सिटी में हम रहते हैं, सिटी में रोज आना जाना काम पे हो यार, बड़ा अच्छा लगता है ना जब हम घूमते हैं। बाकी ये एरिया तो और भी है यार, मैं ना दिखाना इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि जो फिर वही बात है सोचेंगे कि यार ये भी ना लग गया, वैसे ही अपना टाइम बर्बाद करता है ये, स्कीप कर दो अभी तो वैसे ही दिखा रहा है ये। तो, लेकिन भाई मैं भी इंसान ही हूँ यार, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है और अब एक फैमिली की तरह ही हो यार, तो मन करता है कि शेयर करूँ आप सभी लोगों से ये सारी चीज़ें, क्योंकि सेम चीज़ें सारी चीज़ें होनी चाहिए ना यार, बीच बीच में मज़ा आना चाहिए कि कुछ चीज़ें दिखे कि उधर का क्या हिसाब किताब है। बट मैं समझ सकता हूँ जिस हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उस टाइप पे जो वीडियो हम देखते हैं, हमारी मेन जो टेंशन रहती है वो यही है कि भाई अपना जो मेन रहे वो यही टॉपिक रहे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सारी। तो चलो गाइज अभी घुमा दिया कैमरा और आगे टॉपिक पे, अब ध्यान से सुनो। हाँ, जो कि है शेयरिंग का मैंने बनाया था सिंगल बंदे के लिए, फिर मैंने बनाया था जो शेयरिंग में जो कैसे रहन सहन है अकोमोडेशन का कि भाई कितना हिसाब से पड़ेगा, दूसरा बनाया था फिर स्टूडेंट का ही सिंगल प्राइवेट, वो भी सिंगल का था वो शेयरिंग में था, फिर प्राइवेट का बनाया था वो था अपना कि प्राइवेट में हम क्या कॉस्ट रहेगी किस हिसाब से और कहाँ पे हमें रूम लेना चाहिए, कहाँ पे हम अपने पैसे थोड़े से बचा सकते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पे इधर क्लिक कीजिए। दूसरा प्लेलिस्ट है, उधर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टॉपिक अलग अलग रहेगा उसमें आप ना अच्छे से देख सकते हो भाई अपने हिसाब से जो भी है। बाकी मेरा सही है वही है भाई, अपना कमेंट में करते रहा करो, वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, बनाता हूँ मैं, आप देख लेना कमेंट में भी, इंस्टाग्राम पे भी आप करो मैसेज। तो गाइज अब सीधा ना टॉपिक पे आते हैं, अभी रहेगा ये रहेगा सेम अकोमोडेशन का है, बट इसमें स्टूडेंट जो कपल आ रहे हैं साथ में, स्टूडेंट हो गया उसमें एक हो गया भाई डिपेंडेंट वीज़ा पे, जैसे कपल आ रहे हैं ना तो वो अकोमोडेशन का उनका इनसे थोड़ा सा अलग रहेगा, सेम है ये, सेम ही लगा लो या थोड़ा अलग रहेगा, बट ऑफकोर्स दो बंदे आ रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा आपके साथ एक एक्सपीरियंस। तो भाई शेयरिंग का ये था कि अभी जो कपल आ रहे हैं तो उनमें अभी आप डबल रूम की बात करें तो डबल रूम का जो इधर रेट रहेगा आपका वो रहेगा 300 पाउंड का, उससे थोड़ा 300 तो भाई 320 पाउंड मान लो इस हिसाब से आपका रहेगा। कई जगह होता है बिल इंक्लूडेड हो जाते हैं उसमें, थोड़ा सा वो लैंडलॉर्ड पे भी डिपेंड करता है, पर डबल रूम का मैं बता दूं कि बिल जो इंक्लूड रहेगा उसमें आपका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको वाटर का नहीं देना पड़ता बिल में, कि वाटर का तो स्टूडेंट का वैसे ही, वहाँ पर कपल भी आ रहे हो तो जब भी नहीं लगेगा, ये भी माइंड में रखो जो भाई नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे अभी उनका प्लान है इधर आने का, तो उनके लिए तो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं भाई अपना टेंशन मत लो, डिपेंडेंट जो साथ में आ रहा है उसको तो कुछ पे नहीं करना एक्स्ट्रा, उसी में उनका मतलब ये है कि भाई स्टूडेंट का जो मैं एप्लीकेंट है ये माइंड में रखो उसी के जो पेपर है उसी पे उसको सारा सब कुछ रहेगा उसका एक्स्ट्रा, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा इस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट का भी उसी के नाम पे बनेगा जो अपना मेन एप्लीकेंट है स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट उसका ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो तो बस ये है कि भाई डिपेंडेंट वीज़ा पे है साथ में, चाहे वो हस्बैंड में भाई हस्बैंड हो गया या भाई अपना वाइफ होगी, ठीक है तो ये चीज़ होगी। दूसरा भाई इसमें अपना डबल रूम का मैंने बता दिया, ये है शेयरिंग का मैंने जो आपको एक रेंट बताया कि शेयरिंग में आपको बाथरूम किचन ये शेयर करने पड़ेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी जो जिनको अनस्वीट चाहिए कि भाई अपना बाथरूम उतना अटैच होता है उसके रूम के साथ ही अटैच होता है, रूम के अंदर ही पर साइड में होता है अलग से बाथरूम और टॉयलेट, तो वो इसमें थोड़ा सा और भी आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। पहले ये जो प्राइस था ये कॉस्ट थी जो ये पहले रहता था रेंट इसका
सिंगल डबल रूम का 250 पाउंड में भी हो जाता था, 270 पाउंड में भी, लेकिन अब एक्सपेंसिव हो गया थोड़ा सा यार, ग्रोसरी से किसे लेकर हर चीज़ पे रेट भी बढ़ाए तो ये भी बढ़ गया, तो वो भी हुआ है तो 300-320 की एवरेज आप मान के चलो। बाकी वो लोकेशन पे डिपेंड है गाइज, ये भी मत सोचना कि इतने पैसे में आपका पूरे यूके में हो जाएगा, नहीं, वो आपको भी पता होना चाहिए इस चीज़ का। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से आपका रहेगा। और दूसरा इसमें एनसुइट का जो मैंने बताया है वो इसमें आप थोड़ा प्लस करो, 40 पाउंड या 40 और मतलब 100 पाउंड के बीच में, तो अनस्वीट का आपको 320 का वो था, तो आपको ये 400 पाउंड में आपको अनस्वीट मिल सकता है, उसमें आपका ये हो जाएगा रूम का। ठीक है गाइज, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता दूँ, आप ढूंढ कैसे सकते हो, फेसबुक वीडियो अलग से बनाइए, बाकी फेसबुक पे आप कॉन्टैक्ट करो, एक गमट्री करके वेबसाइट है, फिर एक स्पेयर रूम करके है, इनमें आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के भी कॉन्टैक्ट ले सकते हो, एजेंसी से भी आप कॉन्टैक्ट करो, एक जुपला करके वेबसाइट से, बहुत सारी है, गूगल सर्च करना। फेसबुक पे आप कैसे कर सकते हो, जिस सिटी में आप जा रहे हो ना उधर का जो अपना इंडियन ग्रुप है, वैसे ही मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, हालांकि वो भी नया ही है, आप चाहो तो उधर अभी जुड़ सकते हो, क्योंकि वो आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प करेगा। और वो ये नहीं है कि एक सिटी का मैं बना रहा हूँ, उस ग्रुप का मतलब ये है यार कि जितने भी यूके में जितनी भी जिस लोकेशन पे भी आ रहे हो सबको बेनिफिट मिले यार उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आप उस उधर अभी स्टार्ट कर लो अपना जुड़ना, कल को आप भी आओगे, आप भी किसी की हेल्प करोगे तो यार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सिचुएशन को ही ध्यान में रखना कि हम जब जहाँ पे आज मैं हूँ, मैं पहले उधर था जहाँ पे आप अभी हो, कल को जो नया आएगा वो भी उस टाइम पे उस सिचुएशन में होगा, तो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो फेसबुक पे आप सिंपली आपको क्या करना है कि कमेंट करो, सिटी में आ रहे हो सिलेक्ट करो, कमेंट करो उधर मैं इस लोकेशन पे, ये मेरा पोस्टल कोड है इस यूनिवर्सिटी के एरिया में, मुझे इतने दिन में मैं आ रहा हूँ और एक महीने का टाइम है, डेढ़ महीने का बचा है, जब भी आपका जो भी प्रोसेस के हिसाब से आपको पता लगता रहेगा वो, तो वो आप बात करो, आपको ना सही हिसाब से रेट मिल जाएगा और एक जायज़ जो होता है कि आपके बजट के हिसाब का भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो एजेंसी मैं बता रहा हूँ इधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इधर आने के बाद चैट आप उधर कर सकते हो, वो इंडिया से भी आप स्टार्ट कर दो चैट आना, भाई मैं इंडिया इस लोकेशन पे हूँ, कई बार तो हमारा सेम लोकल बंदा ही मिल जाता है हमें, वो डिपेंड बात करने पर पता चल जाता है हमें बाद में। तो गाइज अकोमोडेशन का जो मेरा मेन था ना वो यही था आपको बताना, कि टेंशन ना लो किसी भी चीज़ की डिपेंडेंट को, तो वैसे जो कपल आ रहे हैं आते फुल टाइम एक को अलाउड है, और ये भी नहीं कि 40 घंटा ही कर सकता है वो ना कितना मर्जी करो भाई, जो कैपेसिटी के हिसाब से ये इतना जो कर सकता है जितना बंदा 50 घंटे 60 घंटे 40 घंटे, कोई मतलब लिमिट ना है कि भाई बस 40 ही घंटे ना, तो वो तो और भी अच्छी बात है यार। कपल जो आ रहे हैं ना उनकी आने के बाद तो लाइफ में ये है कि एक टेंशन सी कम हो जाती है, इधर स्टूडेंट पे अकेले पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आता है यार, सबको पता है। तो गाइज ये एकोमोडेशन का बताना था, और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूँ, वो ये एक्चुअली वही बात है यार, मैं क्या बोलूँ, 5 मिनट में बंदा कोई समझा सकता है, 8 में अभी पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो तो अपने आप ही लंबी होगी। तो ना दूसरी चीज़ इसमें ये है कि 1 बेडरूम का फ्लैट आप लोगे स्टूडियो, जो कि कपल मोस्टली लेते हैं, लेना पसंद करते हैं, तो आपको ना वो 600 पाउंड में इंक्लूडेड बिजली पानी एवरी समथिंग हो जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या है कि हमें सस्ता क्यों मिलता है कंपेरिजन टू वर्क परमिट पे जो हैं या इधर के लोकल जो हैं, क्योंकि हम लोगों को भाई टैक्स क्या होता है कि काउंसिल टैक्स देना पड़ता है, और काउंसिल टैक्स स्टूडेंट को नहीं पे करना पड़ता, चाहे वो कपल में आ रहे हैं चाहे वो फिर भाई अपना सिंगल आ रहा है चाहे वो कपल आ रहे हैं, तो काउंसिल टैक्स आपको जब तक आप यूनिवर्सिटी में हो, जब तक आपकी स्टडी है, स्टडी के दौरान आपको जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस टाइम पीरियड तक आपको काउंसिल टैक्स वाटर ये नहीं देना पड़ता, और भी बहुत सारी कुछ फैसिलिटी है वो तो आपको और भी अच्छा है यार, वो भी आपको नहीं देनी पड़ती, वो आप इधर आओगे अपनी यूनियन से भी कॉन्टैक्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी की यूनियन है, टेंशन ना लो और ज़्यादा हिचकना मत, आपके राइट्स हैं, आप
कॉन्टैक्ट करो, वो आपको और भी ज़्यादा कुछ और फैसिलिटीज़ हैं कोई, आपको और इस चीज़ें सहूलियत जो भी आपको मिलेंगी यार, और ये सारी चीज़ होगी। बाकी इतने में आपका हो जाएगा वन बेडरूम का, 2 BHK का भी आपका। वन बेडरूम का कोई खास फ़र्क नहीं होता, 100 पाउंड का फ़र्क होता है, वो ज़रूरत पर डिपेंड करता है आपकी, आप किस हिसाब से इधर क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या भाई आप कपल हो या आपके साथ बेबी है, तो उसका आप एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो इसमें सुनने में लगता है कि ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ये सारी चीज़ें, बट नहीं, अगर बेबी आपके साथ है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप वो देखना। बिकॉज इधर ना ऐसे नहीं मिलता रूम, अगर आपके पास हम बच्चे हैं हमारे साथ तो इस हिसाब से, तो वो भी एक अलग से मैं बनाऊँगा वीडियो इस टॉपिक में। तो ठीक है गाइज, तो ये सारी चीज़ थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी अभी भी आपका कोई डाउट है, मैं दोबारा से इसी बात में कोई चीज़ है, मैं दोबारा से बना सकता हूँ वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि हम सेम टाइम में एक वीडियो में सारे डाउट्स, आई थिंक हम कभी भी हमारे पूरे नहीं हो सकते, कोशिश कर सकता हूँ मैं। बाकी आप से रिक्वेस्ट है, आप अपना इस चीज़ का भाई ध्यान रखें, और अपना ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। पूरा दिन लगा दिया, मुंह में भी झाग आ गए, पानी की बोतल थी वो, अभी 2 लीटर पानी पी गया मैं यार।